देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। आप मसालेदार खाने के शौकीन हैं और खाने में एवरेस्ट मसाले का उपयोग करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि एवरेस्ट मसाले का इस्तेमाल आपके लिए जानलेवा हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिंगापुर फूड एजेंसी ने आरोप लगाया है कि एवरेस्ट के फिश करी मसाले में एथिलीन ऑक्साइड नामक कीटनाशक की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई है, जो आपको बीमार कर सकता है। एवरेस्ट के कुछ मसाले हमारे पास है, इनके बारे में भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही उसने सिंगापुर में एवरेस्ट के मसालों पर रोक भी लगा दी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या एवरेस्ट मसाले का इस्तेमाल वाकई आपकी जान पर आफत है, और क्या है एवरेस्ट के मसालों की सच्चाई? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा। कई एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। एवरेस्ट मसाला, जिसका प्रचार बॉलीवुड के शहंशाह और किंग खान करते हैं, पूरी दुनिया को बताते हैं कि टेस्ट में बेस्ट सिर्फ एवरेस्ट। लेकिन एवरेस्ट के ये दावे सवालों के कटघरे में आ गए हैं। सवाल बेहद गंभीर है, सवाल आपकी सेहत से जुड़ा है। सवाल है कि क्या एवरेस्ट मसाले का सेवन आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है? एवरेस्ट मसाला खाएंगे तो क्या बीमार पड़ जाएंगे? क्या एवरेस्ट मसाले का इस्तेमाल आपकी जान के लिए आफत बन जाएगा? ये सवाल आज इसलिए क्योंकि सिंगापुर फूड एजेंसी ने देश की सबसे फेमस मसाला कंपनी एवरेस्ट के फिश करी मसाले पर रोक लगा दी है और आरोप लगाया है कि एवरेस्ट के फिश करी मसाले में एथिलीन ऑक्साइड तय मात्रा से ज्यादा है। ये इंसानों के खाने लायक नहीं है। इसका इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके साथ ही सिंगापुर फूड एजेंसी ने लोगों से अपील की है कि फिलहाल एवरेस्ट मसाले का इस्तेमाल खाने में ना करें। अगर कस्टमर इसे खरीद चुके हैं तो इस्तेमाल से बचें। फूड एजेंसी ने कहा है कि अगर एथिलीन ऑक्साइड का लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। अगर आप इसे इस्तेमाल कर रहे थे और स्वास्थ्य के लिए चिंतित हैं तो डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। सिंगापुर फूड एजेंसी के प्रतिबंध वाले फैसले के बाद एवरेस्ट मसाले का इस्तेमाल करने वाले सकते में हैं। सिंगापुर में भी ऐसा ही हुआ है। देश का प्रतिष्ठित सबसे बड़ा मसाले कंपनी एवरेस्ट, ये एवरेस्ट मेरे हाथ में है। एवरेस्ट की फिश करी मसाला है, इस पे लिखा है मिक्स्ड मसाला पाउडर, यानी कि सभी प्रकार के जो मसाले हैं इसमें मिले हुए हैं। खास तौर पर जब हम मछली बनाते हैं तो उसमें इस मसाले का उपयोग किया जाता है, और इस फिश मसाले को लेकर सिंगापुर सरकार ने बैन लगा दिया है, और बैन लगाने के साथ साथ एक नोटिफिकेशन जारी भी किया है। उसमें उस नोटिफिकेशन कि जो लोग इस मसाले को अपने घर ले गए हों वो अब इस मसाले का उपयोग ना करें। सिंगापुर के इस फैसले के साथ ही अब समझिए कि एवरेस्ट के फिश करी मसाले में मिला एथिलीन ऑक्साइड आपकी सेहत के लिए कितना खतरनाक है। दरअसल एथिलीन ऑक्साइड फसलों पर छिड़का जाता है। इसका इस्तेमाल किसान अपने खेतों में कीटनाशक के रूप में करते हैं। इसे खाने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसका सेवन आपके लिए जानलेवा हो सकता है। लेकिन इसी एथिलीन ऑक्साइड की अधिक मात्रा एवरेस्ट के फिश करी मसाले में मिलने का दावा सिंगापुर ने किया है। हालांकि सिंगापुर के गंभीर आरोपों के बाद एवरेस्ट मसाले की ओर से सफाई भी आई है। एवरेस्ट की ओर से कहा गया है कि हमारे सारे प्रोडक्ट कड़ी जांच के बाद ही तैयार और एक्सपोर्ट किए जाते हैं। हम साफ सफाई और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का कड़ाई से पालन करते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स पर इंडियन स्पाइस बोर्ड और FSSAI समेत सभी एजेंसियों की मुहर है। हर एक्सपोर्ट से पहले हमारे प्रोडक्ट स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया की जांच से गुजरते हैं। हमारी क्वालिटी कंट्रोल टीम इस मामले की पूरी जांच करेगी। साफ है कि गंभीर आरोपों के बाद एवरेस्ट जांच की बात कह रही है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर आरोप सही पाए गए तो सोचिए आप कितने दिनों से मसाले के रूप में जहर खा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे संवाददाता मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही डॉक्टर SK पोडर हमारे साथ जुड़ गए हैं,
अब से हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत जो है मैं मनोहर केशरी आपसे करना चाहूंगी, और ये मसाले भी हम दिखाना चाहेंगे जो इस वक्त मेरे हाथ में मसाला है वो है शाही पनीर मसाला, इसके साथ ही एवरेस्ट का ये मसाला है, किचन किंग मसाला है, और साथ ही दूसरा जो मसाला है वो चिकन बिरयानी मसाला है। ये मसाले जिनको लेकर ये दावा किया जा रहा है, सिंगापुर की फूड एजेंसी जो है वो ये दावा कर रही है कि इस मसाले में एथिलीन ऑक्साइड है जो कि कीटनाशक होता है, और अगर चिकन करी का फिश करी का जो मसाला है वो लोग अगर इस्तेमाल कर रहे हैं सिंगापुर में, तो सिंगापुर फूड एजेंसी की तरफ से साफ कहा गया है कि आप इस मसाले पर इस्तेमाल करने पर रोक लगा दीजिए, अगर आपने मसाला खरीदा भी है तो आप उसे यूज मत करिए। हमारे साथ मनोहर हैं, मनोहर ने जो कि एवरेस्ट मसाले के एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की है और उनसे उन्होंने जवाब भी दिया है। मनोहर, सबसे पहले जो आपसे ये समझना चाहेंगे, जो ये दावा सिंगापुर फूड एजेंसीज की तरफ से किया जा रहा है कि फिश करी जो मसाला, मुझे लगता है एवरेस्ट एक ऐसा मसाला है जो देश विदेश लगभग सभी की किचन में होता है और सभी बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ये मसाला जो कि टेस्ट में बेस्ट कहा जाता है, क्या ये सेहत के लिए भी उतना ही बेस्ट है? देखिए, जो अभी तक सिंगापुर फूड एजेंसी ने कहा है अनन्या, उसके अनुसार से तो बहुत ज़्यादा जानलेवा है, क्योंकि फूड एजेंसियां सबसे पहले सेंटर फॉर फूड सेफ्टी जो हांगकांग में है, वो जो हाइजीन डिपार्टमेंट है एनवायरमेंटल, उन्होंने कहा है कि हमने इसकी जांच की है, मार्केट से सैंपल्स उठाए गए थे, और उसके बाद उन्होंने जो एथिलीन ऑक्साइड का परमिसिबल लिमिट है, जितना लिमिट होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा पाया गया है, और ये भी बताया गया है कि वो बहुत ज़्यादा कार्सिनोजेन है, मतलब कैंसर हो सकता है। एक रिपोर्ट हमने देखा, जब हम पूरे रिपोर्ट को देख रहे थे, तो एक ऐसी रिपोर्ट है 2013 की रिपोर्ट है जिसमें ये भी बताया गया है कि एथिलीन ऑक्साइड जो है उससे अमेरिका में 7000 से ज़्यादा महिलाओं में, जो स्टरलाइजेशन में जुड़ी हुई महिलाएं हैं, जो उनसे लगातार उसके टच में रहती हैं, तो ऐसी स्थिति में उसको ब्रेस्ट कैंसर तक हुआ था। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से एवरेस्ट जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हालांकि जब हमने एवरेस्ट से इस पूरे मामले पर जाँच करने की बात कही, उनसे जब हमने संपर्क साधा, तो उन्होंने जवाब दिया है अनन्या कि हम इस मामले को देख रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि 50 साल से ज़्यादा हमारी जो है सो प्रतिष्ठित संस्थान है, हम लगातार सभी मानकों पर खरे उतरते हैं, चाहे FSSAI की बात हो, चाहे स्पाई बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो, या अदर एजेंसियां जो इस तमाम जो फूड क्वालिटी के कंट्रोल को देखती है, उनके तमाम मानकों पर हम खरे उतरते हैं, और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो सबसे पहले जो स्पाई बोर्ड ऑफ इंडिया है वो इसकी जांच करता है, FSSAI मोहर लगाता है, उसके बाद ही एक्सपोर्ट किया जाता है। जहां तक सिंगापुर की बात है, जहां तक सिंगापुर की फूड एजेंसी के इस रिपोर्ट की बात है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि आप इसको ना खाएं और तुरंत इसको वापस करें, क्योंकि वहां जो एक सप्लाई कंपनी है, जो SP मुथैया PTF लिमिटेड है, वो वहां पर सप्लाई कर रहा है, वो वहां पर रिटेलर का काम कर रहा है, तो उन्हें वापस करने की बात कही गई है। तो अब एवरेस्ट ने ये कहा है कि हम जो है इस मामले को देख रहे हैं, जैसे कम्युनिकेशन होगा, हमारी जो फूड कंट्रोल कमिटी है वो इस पर जांच करेगी। जी, इसके साथ ही डॉक्टर SK पोटार कंसल्टेंट हैं अपोलो हॉस्पिटल से। डॉक्टर SK, आपसे समझना चाहेंगे, जो दावा सिंगापुर फूड एजेंसी की तरफ से किया गया है जिसमें कहा गया है कि फिश करी में एथिलीन ऑक्साइड है जो कि तय जो मात्रा से बहुत ज़्यादा है, जो कि लोगों की सेहत के साथ एक तरह से खिलवाड़ है, लोगों की सेहत के लिए अच्छा नहीं, और काफ़ी वक्त से अगर आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आगे आपको बीमारियां हो सकती हैं। एथिलीन ऑक्साइड जो है वो है क्या, और कैसे ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है? सो एथिलीन ऑक्साइड एक रूम टेम्परेचर पर एक गैस होती है, जो कि हम लोग नॉर्मली सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स या कुछ सर्जिकल डिवाइस स्टरलाइज करने में यूज करते हैं, नॉर्मली हॉस्पिटल्स में जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग हीट से स्टरलाइज करते हैं, कुछ को जो हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको गैस से करते हैं, एथिलीन ऑक्साइड ETO शॉर्ट में बोलते हैं ETO। सो कुछ हमारे मोस्ट ऑफ द यूज वी नो ETO फॉर सर्जिकल इक्विपमेंट, बट जहाँ तक अभी जो आपकी कंट्रोवर्सी हुई है, कुछ स्पाइसेस को, कुछ ड्राइड हर्ब्स को भी स्टरलाइज करने के लिए ये यूज अलाउ किया गया है, जैसे साल्मोनेला या इकोलाई, ऐसे बैक्टीरिया से स्टरलाइज करने के लिए कुछ हर्ब्स या मसालों पर ये अलाउ किया गया है। इंडिया में अलाउड है, अमेरिका ने बैन किया हुआ है
अमेरिका में भी अलाउड है बट यूरोपियन कंट्री ने शायद काफी ने बैन किया हुआ है। ठीक है, आप कह रहे हैं अमेरिका में अलाउड है लेकिन यूरोपियन कंट्रीज ने बैन किया है, लेकिन अब सिंगापुर में भी ये कहा गया है कि भाई ये जो मसाले हैं वो वापस एवरेस्ट को लेने पड़ेंगे। रोहित पारेख पॉलिसी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर शिखर शर्मा न्यूट्रिशनिस्ट हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर अनिल बंसल पूर्व संयुक्त सचिव IMA हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप रोहित, आपके पास आना चाहेंगे, जो एवरेस्ट मसालों को लेकर दावा सिंगापुर की तरफ से किया जा रहा है जिसमें एथिलीन ऑक्साइड होने की बात कही जा रही है जो तय मात्रा से बहुत ज्यादा है जो कि शरीर के लिए हानिकारक है, आप इसे कैसे देखते हैं? और इस मामले को लेकर तो साफ कह दिया गया है सिंगापुर में कि अगर लोगों ने इन मसालों को खरीद लिया है तो उन्हें बिल्कुल भी यूज ना करें, और ज्यादा वक्त तक अगर एथिलीन ऑक्साइड वाले मसाले लोग यूज कर रहे हैं तो उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है? एज ए पॉलिसी एक्सपर्ट आप इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि अब बात यहां तक आ गई है कि एवरेस्ट को अपना फिश करी जो मसाला है वो वापस लेना होगा, यानी कि जो भी वहां पर जितना भी स्टॉक है वो वापस किया जाएगा सिंगापुर की तरफ से। जी, मैं इसमें दो तीन बातें जोड़ना चाहूंगा। ये इथिलीन ऑक्साइड जो है ये एक नॉन कार्सिनोजेन है, इसके मल्टीपल अलग अलग तरह के कैंसर के इसके खतरे जाने जाते हैं, और ये पहली बार नहीं हो रहा है कि इथिलीन ऑक्साइड के प्रेजेंस के कारण हमारे फूड प्रोडक्ट्स वापस बुलाए जा रहे हैं, उनपे रिकॉल हो रहा है। ये 2020 से 21 के समय में यूरोपियन यूनियन ने हमारे, सिर्फ हमारे ही नहीं, भारत के नहीं, कई और देशों के भी कई सारे प्रोडक्ट्स में जब इथिलीन ऑक्साइड पाया गया था उनको वापस बुलाया था। अब ये इथिलीन ऑक्साइड का इसका प्रमुख जो प्रयोग है ये फ्यूमिगेशन के लिए किया जाता है, ये अलग अलग मसालों में, चाय में, कई सारे और पदार्थों में, सब्जी में, फल आप, में। आप थोड़ा सा ठीक से अगर बैठ सकते हैं तो प्लीज वहां पर आप कंफर्टेबली बैठ जाइए क्योंकि फ्रेम आपका प्रॉपर नहीं आ रहा है टीवी पर। अब बोलिए। ठीक है, अभी बेहतर है? जी 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 बिल्कुल बोलिए। जी, तो मैं यही कह रहा था कि इसका जो प्रयोग है ये कई सारे फसलों में होता है, और ये इसलिए करते हैं ताकि इसका स्पॉइलेज इनका रुक सके, कई सारे जो बैक्टीरिया वायरस है वो रुक सके। पर हमें ये भी जानना रहेगा और हमें इस तरफ बढ़ना चाहिए कि इसके जो इसके दूसरे विकल्प हैं जिसमें इथिलीन ऑक्साइड का प्रयोग नहीं होता है, हमें उस तरफ बढ़ना होगा। अब ये तो हुई वो बात जो दूसरे देशों में पाया गया है, और ऐसे कई सारे हमारे कई सारे केसेस हैं। ये इस बार वाला ज्यादा प्रमुख हुआ क्योंकि मल्टीपल देशों में भी हुआ है, पर नहीं तो आज भी यूरोपियन यूनियन कई सारे हमारे प्रोडक्ट्स को कंसाइनमेंट्स को रिकॉल कर रहा है, उनको वहां पर रोका गया है अलग अलग देशों में। नीदरलैंड्स में अभी लास्ट मंथ ही हमारा कंसाइनमेंट एक रोका गया है क्योंकि उसमें भी इथिलीन ऑक्साइड की मात्रा पाई गई थी। अब FSSAI जो कि हमारा भारतीय जो कि सुरक्षित खाने के लिए हमारा मापदंड तय करता है, उसने भी अभी तक इथिलीन ऑक्साइड पे पूरी तरह से क्या हमारा MRL होना चाहिए, क्या रेसिड्यू लेवल होना चाहिए, वो उस पे मापदंड अभी तय नहीं किए हैं, और इसको लेके हमारे चेक्स नहीं हो रहे हैं। तो ये बात तो है कि ये दूसरे देशों में, लेकिन अगर मापदंड तय नहीं किए गए हैं तो एक तरह से फॉरेन कंट्रीज जो ये चेक कर रही हैं कि आपने क्या इंग्रेडिएंट्स मेंशन करे हैं, आप क्या अपने मसालों में यूज कर रहे हैं, और उसके बाद उसे रिकॉल किया जा रहा है या फिर वापस किया जा रहा है कि भाई ये मसाले हमारे यहाँ नहीं चल सकते, हम वहां पर अपने कस्टमर्स की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। लेकिन भारत को लेकर क्या मापदंड है यहाँ पर, क्या इस तरह की चीजें जो एथिलीन ऑक्साइड अगर मसालों में है और लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ये तो खतरे से खाली नहीं है, और आप लगातार मसाले तो हर रोज यूज किए जाते हैं? बिल्कुल, ये आज भी ये इसकी काफी संभावना है कि ये भारत में इस्तेमाल हो रहा है। हमारे कई सारे जो पेस्टिसाइड्स हैं, कई सारे पेस्टिसाइड्स के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में है इथिलीन ऑक्साइड, लेकिन जो और वो पेस्टिसाइड रेगुलेटर ने उन्होंने वहां डाला है, पर जो फूड रेगुलेटर है उन्होंने अभी तक इसके मापदंड नहीं बनाए। तो ये बहुत बड़ा एक गैप है, और ये सिर्फ इसी पेस्टिसाइड की बात ठीक है, इस गैप को कैसे फिल करने की जरूरत है, कैसे ध्यान देने की जरूरत है, ये भी मैं आपसे आगे समझूंगी। डॉक्टर शिखा हमारे साथ हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर शिखा, आज के समय में जब लोग अपने डाइट का ख्याल रख रहे हैं, जब हर एक चीज को खाने से पहले ये देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ऐसे में मसालों के साथ अगर तय सीमा से ज्यादा मसालों में अगर एथिलीन ऑक्साइड होता है तो ये
लोगों के लिए कितना हानिकारक है और इसको कैसे लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप जो खा रहे हैं उसे एक बार समझें, पढ़ें कि आखिरकार आप जो खा रहे हैं उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मसाले, जो चीजें आप अपने घरों में लेकर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो ये डिफरेंट एथिलीन ऑक्साइड, जैसे यहाँ पे कहा गया है, एथिलीन ऑक्साइड इनफैक्ट एग्रीकल्चर से भी शुरू होता है। एग्रीकल्चर में इसको एक बहुत ही कॉमन कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड के रूप में यूज होता है। अब आप देखिए कि फूड कैसे ट्रैवल करता है, जब वो उगाया जा रहा है एक फार्मर के यहाँ पे, वहां पे पेस्टिसाइड डाला जा रहा है, तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल है कि जब उसको प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेसिंग में जैसे ड्राइंग है या उसको क्रम्बल किया जाता है, उस लेवल पे भी केमिकल प्रोसेसिंग यूज होती है। उसके बाद तीसरा, जब वो पैकेजिंग की उसमें आता है, फिर उसका कलर उभारने के लिए, उसका फ्लेवर उभारने के लिए अगेन केमिकल्स डाले जाते हैं। तो यानी कि ये ट्रिपल वैमी है कि प्रोडक्शन से लेके, यानी जब वो खेतों में उगाया जा रहा है, तो फिर उसकी जो प्री प्रोसेसिंग होती है जहाँ पे उसको ड्राई किया जाता है, डेसिकेट किया जाता है, उसकी उस पर्टिकुलर चीज़ की क्या जो प्रोसेसिंग होती है वहाँ पे भी केमिकल्स यूज हो रहे हैं, और फाइनली जो पैकेज हो रहा है उस समय भी उसके कलर को उभारने के लिए, उसके फ्लेवर को उभारने के लिए फिर केमिकल यूज हो रहा है। तो जब ये ट्रिपल वैमी हिट करता है हमें, तो जितनी बीमारियां अगर आप देख रहे हैं, कैंसर इतना बढ़ रहा है, लिम्फोमास, ल्यूकीमियाज, इनफर्टिलिटी, अगर आप देखें हर कुछ 20-30 किलोमीटर में बड़े शहरों में एक इनफर्टिलिटी क्लिनिक और एक कैंसर क्लिनिक है, और तीसरा है एक जो किडनी फेलियर, उसमें जो जो ट्रांस ये जो होता है जब किडनी फेलियर के पेशेंट्स आते हैं। तो ये सारे जो बीमारियां क्यों हो रही हैं इतनी तेजी से, क्योंकि हमारा शरीर इन केमिकल्स से लड़ रहा है। अब केमिकल्स, जो शरीर की एक कैपेसिटी होती है, क्योंकि शरीर एक पत्थर की तरह नहीं है कि आपने कुछ डाला तो दैट इज द एंड। शरीर का एक कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म होता है, यानी लिवर और हमारा जो लंग है, हमारा जो एक्सक्रीटरी प्रोसेस है, वो इस सारे केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करता है, निकालने की कोशिश करता है। मगर जो केमिकल फैट सॉल्युबल होता है, यानी फैट में जाके डिसॉल्व हो जाता है, वो हमारे शरीर के अंत तक जाता है, हमारे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स तक। और यही नहीं, अगर आप देखें इंटरजेनरेशनल जो प्रॉब्लम आ रही है, आज दो कॉन्सेप्ट्स बड़े हो रहे हैं। एक है एपिजेनेटिक्स, यानी आपकी एनवायरमेंट आपके जेनेटिक्स को कैसे इम्पैक्ट करती है, और दूसरा कॉन्सेप्ट हो रहा है इंटरजेनरेशनल डैमेज, यानी अगर ये चीज़ें हमारे फर्टिलिटी हॉर्मोन्स ऑफ स्पर्म और रिप्रोडक्टिव ओवम में चली जाए, तो वो किस तरह से डीएनए को म्यूटेट करती है और किस तरीके से उन नेगेटिव जो कोड्स है उनको अवेक कर देती है, एक्टिव कर देती है। तो यानी ये सिर्फ इस चीज़ की बात नहीं हम करेंगे कि अरे हमें चलो खा के इतने सालों से तो डैमेज नहीं हुआ, अब क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये आपके डीपेस्ट रिप्रोडक्टिव टिश्यूज में जाके आपकी नेक्स्ट जनरेशन को भी इम्पैक्ट कर सकता है। क्योंकि कोई भी फैट सॉल्युबल चीज होती है वो काफी डीप ट्रैवल करती है, और तभी पुराने जमाने में दवाइयों को घी में दिया जाता था, बिकॉज घी बीइंग फैट और वो ट्रैवल बहुत करता था बॉडी के डीपेस्ट टिश्यू में। तो आई थिंक यहाँ पे एक हमें बड़ा सवाल ये है कि प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग में हमें रिफॉर्म्स चाहिए, ठीक है, और बहुत जल्दी चाहिए, वरना ये बीमारियां हमें हमारे देश को खत्म कर दे। डॉक्टर शिखा, जिस तरह से आप बता रही हैं कि कैसे जो एथिलीन ऑक्साइड है वो डीपली हमारी बॉडी को डैमेज कर सकता है, अगली जनरेशन को डैमेज कर सकता है, और ये उन लोगों के लिए जाना बहुत जरूरी है जो एवरेस्ट का फिश करी मसाला अगर यूज कर रहे हैं तो उनके लिए कितना हार्मफुल हो सकता है। डॉक्टर अनिल बंसल, पूर्व संयुक्त सचिव आईएमए हमारे साथ है। डॉक्टर अनिल, जिस बात का जिक्र पैकेजिंग, फूड प्रोसेसिंग, और जिसका जिक्र ये किया जा रहा है कि भाई अगर आप ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं, आप उसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या डाल रहे हैं, ये सबको ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन जब भारत तमाम प्रोडक्ट्स को दुनिया के देशों को बेचता है, तो ऐसे में नियम क्या कहता है, और इस नियम के आधार पर, हालांकि एवरेस्ट की तरफ से ये कहा गया है कि अगर ये सारी चीज़ें हमारे मसालों में है तो हम इसकी जांच करा रहे हैं और जब जांच रिपोर्ट सामने आएगी हम सबके सामने रखेंगे, लेकिन सिंगापुर की तरफ से साफ कह दिया गया है कि जो एवरेस्ट का फिश करी मसाला है वो वापस हम भारत भेज रहे हैं, नियम क्या है, होना क्या चाहिए, और आखिरकार ये कस्टमर्स के साथ खिलवाड़ क्यों? ये बहुत दुखद बात है कि हमारे देश के अंदर कस्टमर्स के लोगों को इस तरह का नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमारे
लिया तो लंबे लंबे कोर्ट केस चलते हैं। अभी आपने देखा हो कुछ महीने पहले खांसी की दवाई भी हमारे यहाँ से बाहर भेजी गई थी जहाँ बच्चों की डेथ हो गई थी और उन दवाइयों का बाद में चेकिंग किया गया तो पाया गया कि गलती। इसी तरह से भी रामदेव जी के बारे में पीछे आया था कि वो बहुत अच्छे से विज्ञापन करते थे और लोगों को गलत धारणा देते कि हमारे दवाइयों से सब बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। मेन चीज़ है कि हमारा जो कानून है वो स्ट्रांग होना चाहिए, कानून को इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी स्ट्रांग होनी चाहिए, वो एक्शन लेती नहीं है जिसका कि फायदा या जिसकी कमियों से लोगों को भुगतना पड़ता है। विदेशों में मैं 3-4 साल पहले यूरोप में गया था तो वहाँ पर जो कहते हैं पीने का पानी टॉयलेट में जो है वो भी आप पी सकते हो, इतना साफ पानी है। हमारे यहाँ घर के अंदर जो पानी आ रहा है वो भी मिला हुआ आ रहा है, मिट्टी है, केमिकल है और बहुत कुछ उसमें ऐसी चीजें जो देश शरीर को नुकसान पहुँचाती हैं। तो हमें अपने सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा और जो लोग इस तरह काम करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी है। कोई पॉलिटिकल बंदा हो चाहे ब्यूरोक्रेट हो उनको छोड़ना नहीं चाहिए और एक्शन स्ट्रॉन्ग लेना चाहिए। ठीक है डॉक्टर अनिल, बड़ी बातें कर रहे हैं। जो भी इस तरह का खिलवाड़ हमारी सेहत के साथ कर रहा है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन रोहित पारेख, जिन चीज़ों का जिक्र डॉक्टर अनिल की तरफ से किया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे कफ सीरप्स हैं, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो भारत के अलावा और तमाम ऐसे देश हैं जहां पर अलाउ ही नहीं है उन्हें खरीदना बेचना या फिर यहां से वहां पर ले जाना। ऐसे में अगर मसालों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इनको लेकर पॉलिसीज जो हैं वो ऐसी होनी चाहिए, ऐसे रूल्स होने चाहिए ताकि इस तरह की चीज़ें बाहर के लोग, तो वो क्योंकि वो देख कर खरीद रहे हैं, वो समझ कर खरीद रहे हैं कि भाई इंग्रेडिएंट में क्या है और क्या हमारे कस्टमर्स के लिए बेहतर है। लेकिन भारत में हम देख रहे हैं कि तो एवरेस्ट के मसाले जो हर किसी के किचन में आपको मिल जाएगा और लोग इससे कितना अपनी बॉडी को हार्म कर रहे हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और हो सकता है कि उन्हें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं चलेगा कि सिर्फ मसाले खाने की वजह से इतना हार्म उन्होंने अपनी बॉडी को किया। बिल्कुल आपने बहुत सही कहा और मैं अनिल जी की बात को ही आगे ले जाते हुए करना चाहूंगा कि इसके लिए हमें करना क्या चाहिए। एक तो ये है कि ये पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल है, ये जो अभी का हमारा पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल है ये काफी पुराना है, कई दशकों पुराना है और एक नया पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल आ रहा है। पर हमें ये चाहिए कि ये पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल स्ट्रॉन्ग रहे। अब स्ट्रॉन्ग रहने में लेकिन इसका जो ड्राफ्ट आया है और इस पे जो एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी भी बैठी थी जिसपे हमने भी अपने व्यूज दिए थे उसमें अभी भी कुछ कमियां हैं उस ड्राफ्ट में और उस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में भी। एक ये कि जैसे कि इथिलीन ऑक्साइड जो है ये एक नॉन कार्सिनोजन है, जो भी ऐसे कार्सिनोजेंस जो कि जिनकी जानकारी हमें मालूम पड़ते रहे उनको रजिस्टर ही नहीं होने देना चाहिए। अभी भी ये पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल में ये प्रावधान नहीं है कि ऐसे नॉन कार्सिनोजेंस जो रहेंगे उनको हम रजिस्टर नहीं होने देंगे। दूसरा ये इथिलीन ऑक्साइड एक एज ए इंग्रेडिएंट ये 130 से ज़्यादा, ये 2 साल पुराना मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूँ, 130 से ज़्यादा देशों में इसका प्रयोग पे प्रतिबंध लगा है। अब जो पेस्टिसाइड किसी भी देश में जिस पे प्रतिबंध लगे उस पे ऑटोमेटिकली हमें भी अपने ऊपर ये देखना चाहिए कि क्या ये भारत में इसका प्रयोग इस पे अनुमति देनी चाहिए या नहीं। ये अभी भी प्रावधान हमने नहीं डाला है अपने पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल में। तीसरा ये हमें राज्य सरकारों के पास भी थोड़े और इसमें सशक्त प्रावधान देने होंगे कि राज्य सरकारें पूरी तरीके से पेस्टिसाइड्स को जहां पे उन्हें लगे बैन करने की जरूरत है वो कर सकते हैं। मनोहर से मैं इस पर कमेंट चाहूंगी। मनोहर, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं पेस्टिसाइड बिल में संशोधन होना चाहिए, कुछ कड़े नियम होने चाहिए ताकि इस तरह से लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो। एक गैप है जो अब ये कहीं ना कहीं तमाम कंपनियों को अलाउ करता है कि वो किसी की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए इंग्रेडिएंट की या फिर तय सीमा से ज्यादा उस इंग्रेडिएंट को डालता है जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और ये सीधा खिलवाड़ जो है वो आम लोगों के साथ हो रहा है। देखिए बिल्कुल रोहित जी ने सही कहा क्योंकि कई ऐसी रिपोर्ट आ चुकी है। अगर आप दिल्ली NCR की ही बात करें, वैसे पूरे देश में स्थिति है जहाँ भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उसके आसपास जो नदियाँ बहती हैं और उसके जो ड्रेनेज हैं उसके जो मलबे हैं या लिक्विड है या केमिकल्स हैं वो सारे नदियों में जाते हैं और नदियों के आसपास जितने खेती का काम होता है, जितने फसल लगाए जाते हैं,
कई रिपोर्ट स्टडी रिपोर्ट आ चुकी है कि उसमें जब हम सब्जियां खाते हैं तो पेस्टिसाइड उसके अंदर चला जाता है और वो हमारे लिए जो है कैंसर का रिस्क फैक्टर बनता जा रहा है, उससे लोगों को कैंसर हो रहा है। मतलब हम केमिकल खाने के तौर पर केमिकल ले रहे हैं, पहली बात ये होगी। जहाँ तक पैक्ड फूड का सवाल है, एवरेस्ट भारत सरकार की जो एजेंसियाँ हैं उनको भी देखना चाहिए कि एवरेस्ट जान का खिलवाड़ देश के लोगों के साथ भी तो नहीं कर रहा है, देश के उपभोक्ताओं के साथ भी नहीं कर रहा, उनके सैंपल्स को भी उठा करके जाँच करने की ज़रूरत है। और FSSAI इसको ध्यान जरूर देगा, क्योंकि हम लोग लगातार इस इशू को लगातार एक कैंपेन के रूप में दिखाते हैं, जो भी पब्लिक इश्यूज होता है उसे हम पब्लिक के सामने रखते हैं और सारी रिपोर्ट सामने रखते हैं। डॉक्टर एसके, आप जिस बात का जिक्र मनोहर कर रहे हैं कि एक बार फिर से तमाम मसाले, तमाम दवाइयां और कफ सिरप्स और भी तमाम प्रोडक्ट्स, इन पर सैंपल्स को एक बार चेक करने की जरूरत है, सैंपल्स लेने की जरूरत है कि कहीं हम आम लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं। मैं ये चाहूँगा कि एक लाइन आप बोलना चाहूँगा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हमारे करीब 4 लाख डॉक्टर्स की वर्ल्ड की सबसे बड़ी डॉक्टर्सों की एसोसिएशन है और हम लोगों के पास सब तरह के एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं। तो हम लोग जो भी सरकारी एजेंसियाँ इस तरह की जो भी डिसीजन लेती हैं, निर्णय लेती हैं, वो हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव को ज़रूर बुलाना चाहिए और उससे उनकी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। FSSAI या जो भी इस तरह की एजेंसियां हैं उनको IMA के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाना चाहिए पॉलिसी मेकिंग के पहले। मैं ओनली इस तरह की बात नहीं कर रहा हूँ कि फर्टिलाइजर्स में क्या पॉलिसी होनी चाहिए या फूड स्टेबलाइजेशन के लिए, बाकी पॉलिसीज के लिए भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए। ठीक है रोहित, पर मैं इस पर एक कमेंट चाहूंगी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को बाकी चीज़ों को लेकर भी अगर पॉलिसीज जो बनती है उसमें इन्वॉल्वमेंट होने की ज़रूरत है और FSSAI जिसकी मोहर लगी होती है खाने पीने की चीज़ों पर, मसालों पर, क्या वहाँ से भी एक चेक क्लियर होना ज़रूरी है कि भाई ये प्रोडक्ट जो बाहर जा रहा है या फिर लोगों के घरों में जाएगा, लोग इसे खाएंगे, क्या वो उनकी सेहत के लिए ठीक है, ये एक वहाँ से भी चेक होना ज़रूरी है? बिल्कुल, दोनों बातों में मेरी पूर्ण सहमति है कि FSSAI को भी इसमें उन्होंने एक ड्राफ्ट भी लाया है पर इस ड्राफ्ट को थोड़ा और तेजी से और इसमें उसको सख्त करने की जरूरत है। और दूसरे इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल भी आ रहा है, एक हमारा आस्क ये भी था, एक हमारी मांग ये भी थी कि जो बोर्ड बन रहा है उसमें हेल्थ वाले बैकग्राउंड से भी लोग रहें जो कि मेडिकल पर्सपेक्टिव भी दे सके, क्योंकि अभी तक आप देखेंगे जो उन्होंने ड्राफ्ट बनाया था उसमें हेल्थ बैकग्राउंड के लोगों को नहीं रखा था, ये एक बहुत मेजर गैप था और भी कई सारे गैप हैं जिन्हें हमें भरने की जरूरत है ताकि इसमें स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन आए। ठीक है, डॉक्टर अनिल से भी इस पर मैं कॉमेंट चाहूंगी, जिस बात का जिक्र डॉक्टर रोहित कर रहे हैं जो कि पॉलिसी एक्सपर्ट है। डॉक्टर अनिल, आपको क्या लगता है कि क्या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का या हेल्थ बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं उनका इस तरह की पॉलिसीज अगर बन रही हैं तो उनमें इन्वॉल्व होना जरूरी है ताकि एक सुनिश्चित ढंग से ये तय ग्राउंड लेवल पर ही हो जाए कि जो चीज़ें यहाँ से आगे बढ़कर जाएंगी वो लोगों के घरों में जब पहुँचे या उनकी सेहत के लिए जब उन्हें इस्तेमाल किया जाए तो वो सही हों, हानिकारक ना हो उनके लिए, हार्मफुल ना हो? बिल्कुल आपने ठीक कहा है, मेडिकल प्रोफेशनल या मेडिकल लाइन से जो अटैच लोग हैं उनको कमेटी में रखना चाहिए और रूल्स बनाने चाहिए। बट जो सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है कि रूल बनाने वाले रूल को इम्प्लीमेंट नहीं करते। आज अगर किसी के ऊपर केस बना तो वो 10 साल 15 साल कोर्ट में चलता है और जिस इंस्पेक्टर ने कंप्लेन की होगी उसको 10-11 साल तक कोर्ट में भागना पड़ता है, तो इसकी वजह से वो ध्यान देते नहीं जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। तो मेरा कहना है कि कानून बनाए और कानून को इम्प्लीमेंट करके दिखाएं भी, तभी लोगों को डर लगेगा कि हमने कोई गलती की है तो हमें बड़ा पनिशमेंट मिलेगा, आगे से वो इस तरह की लापरवाही या मिस्टेक नहीं करेंगे। इस पर मनोहर मैं चाहूंगी, जिस बात का डॉक्टर अनिल जिक्र कर रहे हैं कि इसमें क्या सजा हो जो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व है या इस तरह से लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वहाँ पर रूल्स जो है एक तरह से जो गैप है और जो तमाम बिल को लेकर बात हो रही है पेस्टिसाइड्स बिल में जो तमाम चीज़ें और इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है और जो कानून बन रहे हैं वो कड़े होने चाहिए ताकि ये लोग सोचें कि आप जो आगे कस्टमर्स को बेच रहे हैं वो उनके लिए सेहत के लिए अच्छा होना चाहिए, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और ये सिर्फ मसालों को लेकर नहीं है, और भी तमाम चीज़ों को लेकर है और कई ऐसी पैकेजिंग हमने देखी है
उनमें इंग्रेडिएंट्स में जो चीजें लिखी हैं वो है ही नहीं आपके अंदर प्रोडक्ट में। तो ये एक बड़ा कह सकते हैं कि खूब प्रचार किया जाता है, कंपनियां इसका खूब फायदा उठाती हैं, लेकिन नुकसान सीधा कस्टमर्स के साथ। देखिए बिल्कुल कस्टमर के जान के साथ खिलवाड़ होता है। हालांकि FSSAI की तमाम गाइडलाइंस हैं, सबके नॉर्म्स बने हुए हैं कि अगर आप मसाले बेचते हैं, कड़ी मसाले बेच रहे हैं या फिश मसाले बेच रहे हैं, तो उसमें कितनी मात्रा में क्या होनी चाहिए। मैं अपने दर्शकों को एक बता दूं कि जिस एथिलीन ऑक्साइड की बात हो रही है, अगर उसका 836 ppm अगर होता है तो 4 घंटे में चूहे मर जाते हैं, 4000 ppm होता है तो 4 घंटे में बिल्लियाँ मर जाती है, 800 ppm होता है तो उसका भी अलग है, 819 ppm होता है तो जो पिग होते हैं वो मर जाते हैं। मतलब कितना ज़्यादा ये घातक है आप समझ सकते हैं। तो अब SSI और तमाम स्टेट के जो फूड कंट्रोल ऑफिसर्स होते हैं जो इन सब चीज़ों को देखते हैं, हर एक जगह वो सैंपल इकट्ठा करके जाँच करते हैं, उनको ज़्यादा मॉनिटर करने की ज़रूरत है जी। और फिर डॉक्टर माफ कीजिएगा रोहित परेख से भी हम ये समझेंगे कि क्या FSSAI की जो गाइडलाइंस है उनका पालन हो भी रहा है, और अगर हो रहा है तो फिर किस हिसाब से उसे रीचेक किया जा रहा है। अब लेकिन उससे पहले शिखा, जिस तरह से जो लोग आजकल अपने घरों में चाहे मसाले हों और भी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कैसे लोगों को अवेयर करना चाहेंगी कि जो चीज़ें आप अपने घरों में अपने खाने के लिए, अपने बच्चों के खाने के लिए लेकर आ रहे हैं वो कितनी हेल्दी हैं आपके लिए, कितनी अच्छी है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे आप एक तरह से कह सकते हैं केमिकल हैं जो खाने वाली चीज़ों में नहीं होने चाहिए, उनका खास ध्यान लोगों को रखना चाहिए। अगर मैं एक बहुत सिंपल चीज़ कहूँ तो सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल पॉपुलेशन होती है वो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं और बच्चे होते हैं। और प्रेग्नेंट लेडीज़ नेचुरली बिकॉज उनके अंदर एक गर्भ में एक न्यू लाइफ जन्म लेने वाली है, और बच्चे बिकॉज उनका जो पूरा डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो बहुत फ्रेजाइल होता है। तो बच्चे और प्रेग्नेंट वेमेन को एज फार एज पॉसिबल ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए और नेचुरल फूड यानी डब्बा बंद चीज़ और जो ज़्यादा रिफाइंड चीज़ है, प्रोसेस चीज़ है, उसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और इसका मेरा संकेत जो ये वाइट शुगर है और वाइट सॉल्ट है उससे भी है, बिकॉज उसकी भी जो प्रोसेसिंग में बहुत केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। दूसरा लेवल है जो एडल्ट्स हैं जो इन दो कैटेगरीज में नहीं आते, उस केस में आई वुड से कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोसेस्ड हैं उन्हें बहुत स्पेयरिंगली यूज़ कीजिए, बिकॉज चाहे वो रिफाइंड ऑयल हो जो प्रोसेस्ड होता है और उसमें केमिकल यूज़ होता है, या वो इस तरह के डब्बा बंद प्रोडक्ट्स हैं, उन सब में हर एक लेवल पे प्रोसेसिंग में केमिकल्स ऐड होते हैं जो कि डैमेज कर सकते हैं। तो उसको बहुत लिमिट में और एक फ्रूगली इस्तेमाल करें। फाइनली आई वुड से कि कुछ चीज़ों में जैसे एक एडल्ट्रेशन की हम बात कर रहे हैं जिसमें कि ऐसी चीज़ें ऐड होती हैं जो कि उसमें नहीं होनी चाहिए। एडल्ट्रेशन के में कई तरीके होते हैं जिसको आप एक घर में देख सकते हैं, मगर ये जो हम बात आज कर रहे हैं कि इथाइलिन ऑक्साइड को डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है एक नॉर्मल हाउसवाइफ के लिए, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें तभी ऐड होंगी जब आपका प्रोडक्ट 18 महीने शेल्फ पे रहेगा। तो जितनी लॉन्गर शेल्फ लाइफ है उतना उस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज जो भी चीज़ नेचुरल है उसके अंदर बहुत जल्दी फंगस या बैक्टीरिया या इस तरह चीज़ें उसको खा लेती है। तो अगर कोई शेल्फ पे चीज़ बहुत लंबी है यानी उसमें प्रिजर्वेटिव केमिकल और इस तरह की चीज़ें ऐड हुई हैं तो उससे बच के रहिए। यानी कि आप जो चीज़ बहुत ज़्यादा समय के लिए इस्तेमाल करने के लिए बनाई जा रही है वो लोगों के लिए हार्मफुल हो सकती है। और रोहित, आप जिस बात का जिक्र हम मनोहर की तरफ से किया जा रहा था कि FSSAI की तमाम गाइडलाइंस हैं, लेकिन क्या ग्राउंड लेवल पर तमाम कंपनियां उन गाइडलाइंस का पालन करती हैं, और फिर दोबारा से क्या FSAI इन्हें रीचेक करता है और उसके बाद प्रोडक्ट को क्या आगे बढ़ाता है, एक यहाँ भी आपको क्या गैप नज़र आता है? जी, इसमें दो तीन लेवल पे गैप है। एक तो FSAI के खुद के रेगुलेशंस भी काफ़ी वीक हैं, जैसे कि मैं बता रहा था इथिलीन ऑक्साइड पे, अब उस पर कैसे किस तरह से सैम्पलिंग होना चाहिए, किस तरह से रेसिड्यू एनालिसिस होना चाहिए, अब जाके FSAI की जो एक साइंटिफिक पैनल है उसने अब जाके एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट बनाया है जिसपे इनपुट्स वगैरह लिए जा रहे थे। अब मैं दो और उदाहरण देता हूँ कि जिससे हमें और मालूम पड़ेगा। ये अभी इसी साल दिल्ली हाई कोर्ट ने FSAI को बोला कि आप अपना एक एक्शन प्लान बनाइए कि किस तरह से आप पेस्टिसाइड प्रेजेंस जो रहता है फूड में उसको आप टैकल करेंगे। ये 2010 में उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट ने सू मोटो ये केस चालू किया था। 14 साल बीत गए हैं पर अभी भी ये काम चल ही रहा है। अभी हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ी रिपोर्ट भी आई थी जिसमें ये भी पाया गया था कि जो बेबी फूड में जो शुगर पाया गया था, जो नेस्ले
कुछ देशों में ही कर रहा था, बाकी बहुत सारे देशों में, यूरोपियन देशों वगैरह में वो शुगर नहीं डाल रहा था। ये भी बात पहले से मालूम है, काफी कॉमनली नोन है। एक बड़ी रिपोर्ट आई, एक बड़ी मीडिया में खबर आई, तब जाके FSCI को जागना पड़ा और अब इसमें एक्शन लेने की बात हो रही है। तो इसमें मल्टीपल लेवल के गैप्स, FSCI को भी अपना काम सुधारना, पर सबसे बड़ा जो जरूरी एक जरूरत एक है कि हमें इस तरफ बढ़ना होगा कि ऑर्गेनिक तरीके से, नॉन केमिकल तरीके से हम कैसे ये पूरा वैल्यू चेन, सप्लाई चेन फ्रॉम प्रोडक्शन टू प्रोसेसिंग कैसे हम बढ़ सके। और वो एक काफी बड़ा एक काम है जिसमें भी FSCI का एक बहुत बड़ा रोल होना चाहिए और अभी उसमें बहुत काम करने की जरूरत है। मैं खुद जब अपने स्पाइसेस लेता हूँ तो मैं किसानों से लेता हूँ जो जैविक खेती कर रहे हैं, इस तरह से मैं इंश्योर कर पा रहा हूँ, पर हर कोई नहीं कर सकता है। लेकिन ये ऑर्गेनिक स्पाइसेस और फूड जो है वो हर किसी के लिए अवेलेबल हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन मनोहर, जिस बात का जिक्र FSCI की तरफ से किया जा रहा, जो रोहित कह रहे हैं कि भाई ये कहा गया कि आप एक्शन प्लान बनाइए, अगर क्या इस तरह की कंपनी जो खिलवाड़ कर रही है, चाहे वो एवरेस्ट हो या और भी तमाम कंपनीज है, उन पर अगर एक्शन की बात सामने आती है, एक्शन लेने की बात अगर FSCI की तरफ से कही जाती है, तो एक तरह से क्या नज़ीर एक पेश होगी कि जो तमाम कंपनियां जो इस तरह के बिजनेसेस में है, चाहे वो स्पाइसेस हो, चाहे वो फूड से जुड़ा हो, और भी तमाम, चाहे ड्रिंक प्रोडक्ट्स हो, एनर्जी ड्रिंक्स प्रोडक्ट्स हो, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जो तय क्वांटिटी से ज्यादा चीजों को या केमिकल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि सभी के लिए बहुत हार्मफुल है। देखिए बिल्कुल, अब इस पे एक्शन होना चाहिए। अब इंतज़ार है FSCI को कि कोई कम्युनिकेशन हो, क्योंकि सिंगापुर की ओर से इस मामले में जो एवरेस्ट का मामला है, इसमें सिंगापुर की ओर से अब कम्युनिकेशंस भारत सरकार को होता है। इस पे देखना होगा कि क्या कम्युनिकेशन होता है और उसी आधार पर एवरेस्ट को एक्शन लेना पड़ेगा। और एवरेस्ट कंपनी जो फूड प्रोडक्ट्स कंपनी है, अगर वो इस पे एक्शन नहीं लेती है, अगर उसकी जांच नहीं कराती, हालांकि वो दावा तो कर रही है, इंडिया न्यूज़ के साथ बातचीत पे भी उन्होंने कहा है, उन्होंने मेल के जरिए रिप्लाई भी किया है, और हम भी इंतज़ार करेंगे और देखेंगे क्या भारत सरकार और FSCI इस मामले को लेकर के संज्ञान में लेते हुए क्या उनके और प्रोडक्ट्स जो इंडिया में बिक रहे हैं उनको जांच के लिए भेजती है, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है, नहीं, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, आप बड़ी जानकारी मनोहर दे रहे हैं, क्या भारत सरकार इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लेगी और क्या इंडिया में जो प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं उनको रीचेक किया जाएगा कि जो आम लोगों के साथ जो मसाले हम यूज कर रहे हैं वो हमारे लिए कितने हार्मफुल हैं और कब से हम इस मसालों को यूज कर रहे हैं, कभी किसी तरह का कोई रीचेक या फिर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बार जरा इस एवरेस्ट मसाले को देख लीजिए, ये मसाला है चिकन बिरयानी मसाला जो आप सभी के किचन में होता होगा। एक दूसरा मसाला है किचन किंग मसाला, ये भी आपकी किचन में होगा। तो ध्यान रखिए, अगर इसमें एथिलीन ऑक्साइड जैसी अगर चीज़ें हैं, क्योंकि फिश करी में सिंगापुर फूड प्रोसेसिंग की तरफ से, फूड डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा गया कि फिश करी में एथिलीन ऑक्साइड है जो कि आपके बॉडी के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और साफ तौर पर वहाँ पर सिंगापुर में जो लोग हैं जिन्होंने ये मसाले लिए हैं उन्हें कहा गया है कि आप इन मसालों पर इस्तेमाल करने से पूरी तरह से रोक लगा दीजिए। ये शाही पनीर मसाला जो हर घर में, जिसको लेकर ये दावा किया जाता है, एवरेस्ट ये दावा करती रही है कि हमारा मसाला जो है वो टेस्ट में बेस्ट है, लेकिन क्या आपके सेहत के लिए ये बेस्ट है ये आपको तय करना है।